प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का अभिषेक क्या है? आज कई बार प्रचारक लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का अभिषेक आ जाए, परमेश्वर का अभिषेक आ जाए, परमेश्वर का अभिषेक आ जाए। कई बार लोग प्रार्थना में हिलने लगते हैं, डूलने लगते हैं, जोरों जोरों से ऐसे ऐसे हाथ हिलाते हैं, कोई अपना सर भी ऐसे ऐसे हिला देता है, और फिर प्रचारक बोलते हैं कि परमेश्वर का अभिषेक आ चुका है, परमेश्वर का अभिषेक आ चुका है। क्या है अभिषेक? क्या है? बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने एलिय्याह भविष्यवक्ता को ऐसा कहा कि तू यहाँ से जा और तू यहू का अभिषेक कर उसको इज़राइल का राजा बनाना, और बेन हदद का अभिषेक करना, उसको आराम का राजा बनाना, और तेरी जगह पर तू एलिशा का अभिषेक करना और तेरी जगह पर उसको भविष्यवक्ता बनाना। मतलब अभिषेक वो है जो किसी काम के लिए किया जाता है। अभिषेक ऐसे नहीं बस हिलना डुलना, लोगों का गिर जाना, उनके ऊपर पवित्र आत्मा का टच होना, और वो सब अभिषेक नहीं है। अभिषेक का सही मतलब होता है, अगर बाइबल के हिसाब से अगर देखने जाओ तो जहाँ जहाँ परमेश्वर को किसी काम की ज़रूरत पड़ी, वो काम करने के लिए किसी इंसान को नियुक्त किया, उसके ऊपर प्रार्थना की गई और वहाँ पर कहा गया कि इसका अभिषेक हुआ। जैसे परमेश्वर ने बोला शमूएल को कि कल तेरे पास शाऊल आएगा और शाऊल का इज़राइल का सरदार बनाना, उसको राजा बनाना, उसका अभिषेक करना, मतलब राजा बनाने का अधिकार। तो अभिषेक का सही मतलब होता है कि परमेश्वर जो काम करना चाहते हैं वो काम करने के लिए किसी इंसान को अधिकार और सामर्थ्य दोनों देना, वो काम करने का सामर्थ्य। राजा है तो राजा का राज करने का सामर्थ्य। तो जब परमेश्वर किसी काम के लिए किसी को नियुक्त करते हैं तो उसको परमेश्वर अपना अभिषेक देते हैं। तो ये है अभिषेक। हिलना डुलना वो सब अभिषेक नहीं है। तो परमेश्वर कोई भी अपना काम होता है तो पहले अभिषेक करते हैं। निर्गम का 31 अध्याय पढ़ो तो वहाँ भी शुरुआत में लिखा है कि जो मिलाप वाला तंबू बनाना था उसके सारे बर्तन बनाने थे, तंबू बनाना था, वो सारे काम के लिए परमेश्वर ने अभिषेक किया। राजा के लिए परमेश्वर ने अभिषेक किया, याजक के लिए परमेश्वर ने अभिषेक किया। जहाँ जहाँ पर आपको कोई भी परमेश्वर का काम हो, वो काम करने के जब तक अभिषेक नहीं होता आप परमेश्वर का वो काम नहीं कर सकते। तो परमेश्वर का काम, कोई भी काम करने के लिए हमें अभिषेक चाहिए, और अभिषेक का मतलब होता है कि परमेश्वर जो काम करवाना चाहता है, चाहते हैं, वो काम करने का अधिकार और सामर्थ्य दोनों परमेश्वर को से देना। और अभिषेक परमेश्वर तब करते हैं कि पहले तो परमेश्वर कम से कम दो लोगों को बताते हैं, या तो किसी को पास्टर बनाना चाहते हो तो या तो उसको बताएंगे मैं तुझे पास्टर बनाना चाहता हूँ, साथ में कोई अनजान व्यक्ति होगा, मतलब जिसको ये बात मालूम है उसको भी परमेश्वर बताएंगे, हो सकता है वो उसका पास्टर हो सकता है किसी और कलीसिया का पास्टर हो, कैसे बताएंगे उसको कि उसका अभिषेक कर इसको पास्टर बना। कम से कम दो जगह ऐसा होगा। जितने जितने लोग संस्था की बाइबल कॉलेज कर जो पास्टर बने हुए हैं वो अभिषेक किए हुए पास्टर नहीं है, वो तो संस्था के सर्टिफिकेट से बने हुए पास्टर हैं। तो वो किसी संस्था ने उनको पास्टर बनाए, लेकिन परमेश्वर बनाते हैं तो परमेश्वर पहले अभिषेक जरूर करते हैं। परमेश्वर वचन से आपको आशीष दें। यूट्यूब पर जाओ और स्टैनली मैकॉन सर्च करो, STANLEY MACWAN, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और आप हमें प्रेयर रिक्वेस्ट भी भेज सकते हो व्हाट्सएप के ऊपर 9924038642 पर, और अपने कॉमेंट भी बता सकते हो। परमेश्वर आपको आशीष दें। आमीन।